अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जैसा कि आप सब अभी जानते हैं कि एक और वायरस आ गया है, COVID-19 का एक दूसरा वेरिएंट आ गया है जो बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। इससे पहले जो एक डेल्टा वेरिएंट आया था उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है ये ओमिक्रॉन वायरस को। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक ये ओमिक्रॉन वायरस जो है कि इसका कितना केसेस आ चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। COVID-19 लिस्ट ऑफ रिपोर्टेड ओमिक्रॉन केसेस बाय रीजन। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला यूई में जो है कि एक केस आ गया है, कंफर्म हो गया है। सऊदी अरबिया में एक, इसराइल में एक, और यूके में 42, स्विट्जरलैंड में 2, स्वीडन में 6, स्पेन में 5, उसके बाद नॉर्वे में 5, उसके बाद इटली 1, और उसके बाद आइसलैंड 1, ग्रीसी 1, जर्मनी 7, फ्रांस में 2, उसके बाद श्रीलंका में 1, साउथ कोरिया में 6, सिंगापुर में 2, मलेशिया में 1, और इंडिया में 2 कंफर्म हो चुका है, और यूई में 1, जापान में 2, ऑस्ट्रेलिया में 9, और यूएस में 10 हो गया, कनाडा में 10, ब्राज़ील में 3, जिम्बाब्वे अभी वहाँ पे कोई ये नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है, नाइजीरिया में 3 और घाना में 34 यानी 34 और बोस्तवाना में 19 यानी 19। अब तक दोस्तों इतने केसेस हो चुके हैं ये ओमिक्रॉन के, आप जो है कि इसको काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही डेंजरस बताया जा रहा है, हो सकता है कि आगे चल करके वही COVID-19 की तरह ही सारी फ्लाइट को सस्पेंड किया जा सकता है, स्पेशली इंडिया और यूई के बीच, क्योंकि यूई गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर की बहुत ही ज़्यादा जो है कि स्टिक है, और ये हेल्थ केयर के मामले में यूई गवर्नमेंट सबसे नंबर 1 पे है, और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। हो सकता है दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि यूई गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ही ज़्यादा एक्शन ले चुका है ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह का रूल था वो सारे डाउन कर दिया गया था, लेकिन अब उसको फिर से जो है ओपन कर दिया गया। यानी सबसे कहा जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र का लेकर के हैंड वॉश कीजिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यूई गवर्नमेंट जो COVID-19 में अप्लाई किया गया था प्रोटोकॉल, वो सारी चीज़ें फिर से रिप्लाई किया जा रहा है धीरे धीरे, वन बाई वन करके।